नमस्कार, बीआईटीवी एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइज़र की कामयाबी के रहस्य को बताता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिस्टर राजेश मोदी है। राजेश जी बैंगलोर के एक बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। राजेश जी की खासियत ये है कि बैंगलोर में जब कभी भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या क्लेम की बात चलती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले राजेश जी का नाम आता है। राजेश जी को बैंगलोर का इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस लैंडमार्क कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर राजेश से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्यों को जानते हैं। राजेश जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस की आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काम की शुरुआत आपने कब की और LIC के प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए? काम की शुरुआत मैंने 20 साल की उम्र से की थी। अच्छा। I am second generation LIC agent. हमारी चार जनों के फैमिली में तीन LIC एजेंसी थी। वो तीनों के तीनों में ही चलाता था। जब माइनर था तो दो चलाता था। द मोमेंट आई बिकेम मैनेजर, मेरे नाम में भी एजेंसी ले ली गई और तीन एजेंसी का काम मैं स्कूल कॉलेज के टाइम से चलाता था। तो ये मेरे लिए बहुत सहज और पेशेंट का काम था। मुझे अच्छा लगता था LIC की मीटिंग में जाके प्राइस लेना और फॉर्म्स भरना और स्कीम समझाना। तो बचपन से शौक रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको जो है ये बिजनेस जो है, आपको रेडीमेड ये बिजनेस मिला है। परफेक्ट। तो जब आपको ये बिजनेस मिला, जब आपके हाथ में ये बिजनेस आया, उस वक्त आपका बेस क्या था और इतने सालों में अब आप इस बिजनेस को आगे ले आए हैं इतने साल तक, तो आपने क्या माइलस्टोन हासिल किए हैं और अब आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं? जब मैं खुद इस काम में आया 1981 में 20 साल की उम्र में, तब हम सिर्फ दो कंपनी का काम करते थे, LIC और UTI। और मुश्किल से 20 जितने प्रोडक्ट थे जिसको हम सर्व करते थे और मार्केटिंग करते थे। हालांकि आज सिचुएशन ये है कि 120 प्लस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस हम ऑफर करते हैं और 2000 के ऊपर प्रोडक्ट्स है जिसको हम खेते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतराल है अपने आप में एंड बहुत बड़ा चेंज। लेकिन इसमें मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या माइलस्टोन हासिल किए हैं और अब आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं? सर, प्रोफेशनल माइलस्टोन तो काफी है। एक माइलस्टोन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बिलीव करेंगे, वो ये है कि जब हम मैं इस इंडस्ट्री में आया तो ये पुश टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री के हिसाब से मैं एंटर हुआ था। मैं लोगों से मिलता था, उससे गुजारिश करता था कि यू प्लीज बाय इंश्योरेंस फ्रॉम मी और मेरे सेवा का लाभ लीजिए। और आज ये मकान मेरा बना है कि अनजान लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं। अच्छा। और मुझे मिलकर कहते हैं कि मोदी जी, आपसे हमें सेवा का मौका लेना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता। क्या बात है, वाकई में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा लेवल है जहाँ पर अनजाने लोग आपसे आकर आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, जोड़ने के लिए आते हैं कि सर लेना है, इन्वेस्ट करना है, आपके के थ्रू करना है और हम इंतजार करेंगे कि आपसे मुलाकात हो और आप हमें सेवा का योग प्रदान दें। क्या बात है, क्या बात। मेरे हिसाब से ये मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। वाकई में तो मोदी जी, जब आपने काम की शुरुआत की थी उस वक्त आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी और अब आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? वो पर्सनल लेवल पे बोले तो वो टाइम में ट्रस्ट बिल्डिंग वाज द मेन एजेंडा, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है एंड एवरीथिंग इज गोइंग बाय ट्रस्ट। नाउ अलोंग विद ट्रस्ट, ब्रांड बिल्डिंग भी जरूरी हो गई है। दूसरा, वो टाइम में प्रोडक्ट ड्रिवन मार्केट था, लोगों को UTI यूनिट, US 64, मनी बैग एंड तीन चार आइटम ही चलती थी, कोई बिकती थी। अभी नॉलेज ड्रिवन, द मोर यू नो द मोर यू आर एबल टू एक्सप्लेन, मार्केट में आपका उतना रुतबा है, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो वो टाइम में और ये टाइम में ये है कि भाई ट्रस्ट से ब्रांड के ऊपर फोकस किया है, प्रोडक्ट से कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया है और नॉलेज से ज्यादा ह्यूमन टच के ऊपर फोकस किया है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेब एंड क्लिक ऑफ माउस। अगर आप उसको प्रॉपर ऑनेस्ट ह्यूमन टच दे पा रहे तो लोग जुड़ जाए। परफेक्ट परफेक्ट। राजेश जी, आपकी नजर में
सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं हम, सक्सेस का मंत्रा क्या है? सर, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट जैसे सर्विस इंडस्ट्री में सक्सेस का एक ही मंत्रा है, सर्विस। अगर आपको देख के मेरे दिल में ये आता है कि हाउ कैन आई सर्व यू, इफ आई हैव दैट हंबलनेस, मेरे दिल के अंदर ये विनम्रता है कि अनजान आदमी को मैं कहीं भी मिलूं तो मेरे दिल में ये कला आए कि इसको थोड़ा मैं बता दूं कि भैया जीवन में इंश्योरेंस का क्या महत्व है, चाहे वो मेरे से ले ना आए, या इसको बता दूं कि कहीं तुम फंस जाओ तो मुझे ब्याज चाहिए, कहीं आपके पैसे ना निकले, कहीं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आए, कहीं क्लेम प्रोसेस आपको समझ ना आए, तो मुझे याद कर लेना। मैं अगर सेलिंग के ज्यादा सर्विस के ऊपर फोकस दे पाता हूं तो मेरे सर सक्सेस होती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस के लिए एक ही मंत्र है, सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। परफेक्ट। तो अगर मैं किसी अनजान आदमी को देखूं तो मेरे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि मैं इसको सर्विस कैसे दे सकता हूं। अगर इस तरह का माइंडसेट है मेरा तो मैं जो है सक्सेस को हासिल कर सकता हूं। सर्विस और उसको क्या दिक्कत आ सकती है कि उसके पास बैंक अकाउंट होगा जिसमें नॉमिनेशन नहीं होगा, उसके पास हेल्थ पॉलिसी होगी टॉप ऑफ पॉलिसी नहीं होगी, उसके पास पापा की मतलब छोटी उम्र में जो पॉलिसी होगी उसमें नॉमिनेशन पापा का रहेगा और पापा नहीं रहेंगे, उसकी लायबिलिटी बड़ी तब उसने ज्यादा इंश्योरेंस कवर बढ़ाया नहीं होगा, और जब क्लेम आता होगा तब बोला जाता होगा हेल्थ पॉलिसी में जब क्लेम आता है तो क्लाइंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो ये चीज जब मैं आपको देख के आप सुखे बूढ़े हो, अच्छे परिवार से हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, आप अपने आप को ताजा करा रखते हो, तो मेरे दिल में ये भावना आएगी इनका हर समय इतना फ्रेश ताजा और खुश नुमा रहे, और उसके लिए उसके जीवन में जो जो समस्या फाइनेंशियल लेवल पे आ सकती है उसको मैं थोड़ा समाधान, चाहे वो मेरे से ले ना ले पाऊंगा, इतना डर अगर मेरे दिल में है। परफेक्ट, परफेक्ट। राजेश जी, आपके इस जवाब से मुझे एक यूनिक आंसर निकल के आया है कि एज अ बिजनेसमैन अगर मेरे अंदर एक सेंस है गैप पता करने का तो सक्सेस को मैं हासिल कर सकता हूँ, कि सामने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मैं वो सेंस रखता हूँ तो मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ। परफेक्ट। राजेश जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको बिजनेस में भी आगे लेके जाती है? मेरी स्ट्रेंथ में फर्स्ट तो ये है कि क्यूरियोसिटी, I am open, always curious to learn new things. तो ये चीज ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि रोज नए नए रूल्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं। ये कोई कैश एंड कैरी का व्यापार नहीं, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स। तो नॉलेज का जो मेरा क्रेविंग है, कंटिन्यूस क्रेविंग फॉर नॉलेज एंड अपग्रेडिंग माइंडसेट, वो मेरा पैशन है जो मुझे ये प्रोफेशन में बहुत। दूसरा है कम्युनिकेशन, आई एम फॉन्ड ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से, पुराने लोगों से जुड़े रहना, उनके बारे में जानकारी रखना, उनको हो सके उनकी मदद देना और लेना। तो ये कनेक्टिंग इंडस्ट्री जैसे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है, तो अनजान लोग आप अनजान अनजान सबके के लिए भी फोन करने के लिए हिचकिचाते नहीं। और तीसरी क्वालिटी जो है वॉइस, एंड समटाइम्स जिसे कहे कि भाई इतना ऑनेस्ट रहने की भी क्या जरूरत थी, कई लोग मुझे बोलते हैं, बोला मेरे लिए मन का सुकून ज्यादा जरूरी है पैसे से, तो ये इंडस्ट्री में ये तीन चीज जो है मुझे मेरी पर्सनल क्वालिटी है, मगर इट गोस वेल विद दिस। सुपर, सुपर। तो लर्निंग की भूख है आपके अंदर, आप लोगों से हमेशा कनेक्ट होना चाहते हो और ऑनेस्टी रखते हो हमेशा, ये आपकी जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है। राजेश जी, LIT के मंच में हम लोग बैठे हुए हैं, कई सालों से आप LIT के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि LIT ने आपके बिजनेस ग्रोथ में कैसे आपकी मदद की है? LIT को मेरे सक्सेस का बैकबोन कहो तो भी गलत नहीं है, और मेरी जितनी पूर्ण संपत्ति है उसकी माता कहो तो एक इंसान अपनी संपत्ति से जाना जाता है और अपनी पूर्ण संपत्ति से जाना जाता है, तो मेरी संपत्ति तो मुझे मेरे प्रयत्न से मिलती है, मगर मेरी जो पूर्ण संपत्ति है द क्वालिटी ऑफ जीवी लिविंग एंड गेटिंग रिच, द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग माय लाइफ, वो मुझे हर साल LIT से मिलती है, उसके लिए मैं सदा इस मंच का। क्या बात, सुपर सुपर। राजेश जी,
एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को अगर मैं एक बिजनेसमैन बोलूं, तो कभी कभी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है कि एक लंबे समय तक उसे बिजनेस नहीं मिलता है, इसके वजह से वो अपने फोकस को चेंज कर देता है, डीफोकस्ड हो जाता है, या कभी कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति जब आपके साथ में होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, या फिर ऐसी परिस्थिति को आप कैसे मैनेज करते हैं? सर, ये जो मौके हैं वो मेरी जिंदगी के हसीन लम्हे हैं, गोल्डन मोमेंट्स। दिस आर द मोमेंट्स आई विल रिजॉइस एंड रिमेंबर फॉर माय लाइफ। ये मेरे अपने लम्हे हैं जो खुद मेरे लिए बने हैं और मेरे लिए मेरे जीवन में आए हैं। दिस आर द मोमेंट्स व्हिच आई यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, नॉलेज अपग्रेडेशन, सोशल कनेक्शन, इंप्रूविंग माय सेल्फ एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सोल सर्चिंग, जिसे अंतर खोज कहते हैं। मुझे अपने बारे में सोचने के लिए, मेरे प्रोफेशन के बारे में सोचने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए कुदरत ने ये लम्हे मेरी जिंदगी में भेजे। क्या ऊपर वाला शायद चाहता है कि मैं बाहर की दुनिया में जितना ऊपर गया, अंदर की दुनिया में उतना नीचे। मतलब आई गुड डीप इन माई सॉल। बाहर में आदमी को ऊपर उठना है, अंदर आदमी को गहरा बनना है। तो गहरा बनाने के लिए शायद कुदरत ने ये मौका मुझे दिया है, तो उसको मैं अच्छे से यूज करता हूँ और बहुत संभाल के रखता हूँ। और जब भी इन मौकों से मैं बाहर निकला हूँ, तो अपने आप को नया पाया है, नए लेवल पे पाया है और नई सोच के साथ पाया है। तो ये तो वो लम्हे है जो मतलब जैकपॉट है आपकी जिंदगी में। हर कोई प्रोफेशन में जब आपको स्लो आता है, फेलियर आता है, रिजेक्शन आता है, तो ऑटोमेटिक आपको अंतर खोज करना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को चेंज करना, समझना जरूरी होता है। और इस मौके को आप जितना दिल से संजोलो उतना कुदरत आपको देगी। तो ये लम्हे मेरे खास है और बहुत मेरे दिल के करीब। आई लव दिस मोमेंट्स व्हेन आई डोंट गेट बिजनेस, व्हेन आई एम रिजेक्टेड, अपसाइड डाउन एंड आई एम नॉट एक्सेप्टेड sometimes, तो बोखला था तो कतई ही नहीं हूँ मैं, अंदर से खुश होता हूँ मगर बाहर दिखाता नहीं हूँ। और इनका डिसेक्शन करता हूँ, आंतर खोज करता हूँ, अपने आप को संजोता हूँ और एक नया राजेश मेरे खुद के सामने आता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही आपने यूनिक और बहुत ही मोटिवेशनल आंसर दिया है। जनरली ऐसा होता है कि ऐसे वक्त से लोग डरते हैं, इन्हें लोग अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसे वक्त को दुश्मन समझते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी के हसीन मोमेंट थे। सर, ये जो जैकपॉट है, दिल एकदम दिल के अंदर संजो के रखना है, तो इसमें से जितना मिले उतना लेना। परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप ऐसे दिनों को अपनी जिंदगी का लर्निंग डे समझते हैं, जहाँ पर आप और भी कुछ सीखते हैं। बाकी दिनों में बाहर की दुनिया में कमाता हूँ, इन दिनों में अंदर की दुनिया में कमाता हूँ। इंसान को अंदर से गहरा और बाहर से ऊंचा होना चाहिए, तो अंदर से गहरा बनने के लिए यही हमें काम। परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट। राजेश जी, आपकी बातें, आपकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। बहुत सारे आपने ऐसे आंसर दिए हैं जो बहुत, जिनका निचोड़ बहुत यूनिक है। राजेश जी, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपकी बातों से हमारे व्यूवर्स की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। राजेश जी, आपने अपना समय दिया, आपने अपने सीक्रेट्स हमारे साथ में शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सक्सेस स्टोरी हमारे आज के गेस्ट मिस्टर राजेश मोदी जी की, ए रोड टू सक्सेस के आज के एपिसोड में। बहुत ही जल्द एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।